कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जारी जंग के बीच ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी ने इसे एक उत्साही लड़ाई का निर्णायक मोड़ बताते हुए कहा कि हर भारतीय को गर्व होगा कि जिन दो वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी गई है वो भारत में बनी है। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों की भी तारीफ करते हुए कहा कि हमारे वैज्ञानिक समुदाय ने भी आत्मनिर्भर भारत का जज्बा दिखाया है, इसके मूल में देखभाल और करुणा है। उन्होंने वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी को एक साहसी लड़ाई में टर्निंग प्वाइंट बताया। पीएम ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन को DCGI की मंजूरी के बाद कोरोना मुक्त और स्वस्थ भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। पीएम ने इसके लिए देश और कड़ी मेहनत के लिए वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को भी बधाई दी है। सीरम इंस्टीट्यूट के अदार पूनावाला ने ट्वीट कर नए साल की मुबारकबाद देते हुए कहा कि वैक्सीन के भंडारण समेत सभी जोखिम सीरम इंस्टीट्यूट ले रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को मंजूरी मिल गई है, यह सुरक्षित और प्रभावी है। बता दें, वैक्सीन पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने बड़ा ऐलान किया है। DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को आपातकाल इस्तेमाल की अंतिम मंजूरी दे दी है। अब ये वैक्सीन देश में आम लोगों को लगाया जा सकेगा। इससे पहले सेक ने 1 जनवरी को कोविशील्ड और 2 जनवरी को कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति देने की सिफारिश DCGI से की थी। DCGI ने इस पर आज मुहर लगा दी। DCGI के निदेशक VG सोमानी ने कहा कि दोनों ही वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इसका इस्तेमाल इमरजेंसी की स्थिति में किया जा सकेगा। DCGI के मुताबिक दोनों ही वैक्सीन की 2-2 डोज इंजेक्शन के रूप में दी जाएगी। इन दोनों वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री के तापमान में सुरक्षित रखा जा सकेगा। वीजी सोमानी ने आगे कहा कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने 1 और 2 जनवरी को कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की सिफारिश की थी। DCGI के मुताबिक इस सेक में इस क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल थे। DCGI के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन की ओवरऑल क्षमता 70.42% थी। सीरम के आंकड़े दूसरे देशों में किए गए अध्ययन से मेल खाते हैं। DCGI ने आगे कहा कि सीरम द्वारा इस वैक्सीन पर देश में क्लिनिकल ट्रायल जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।